नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों मानसून होने के बाद हमारी बुआई हो जाती है, बुआई होने के बाद खरपतवार बहुत ज़्यादा आती है, तो खरपतवार हम निकालने के लिए हर्बिसाइड मारते हैं। जब हर्बिसाइड मारते हैं तो हमारे फसल के ऊपर भी दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि बिना हर्बिसाइड, बिना मतलब खरपतवार नाशक की दवा मारे हम लोग घास जो है कैसे निकाल सकते हैं, और हमारे फसल में जो मिट्टी का सपोर्ट भी हम कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक छोटी सी मशीन है दोस्तों, ये जो है पावर वीडर है दोस्तों, छोटा सा ये नेपच्यून का पावर वीडर है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। इसके बारे में हमने एक और वीडियो पहले बना चुके हैं, वो दोस्तों जो है टॉप का मॉडल था, लेकिन ये बॉटम मॉडल है। ये जो मॉडल है दोस्तों 52 cc का, इसका इंजन है, 2-स्ट्रोक है, ये पेट्रोल ऑपरेटेड है, और 2-स्ट्रोक होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ करता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको मोबिल भी डालना पड़ता है, मतलब ऑयल डालना पड़ता है। 1 लीटर में आपको 30 ml ऑयल डालना पड़ता है। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 11 इंच की पत्तियाँ है, ये लगी हुई है अटैचमेंट, इसमें आप अलग अलग जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीछे इसको टायर लगा हुआ है सपोर्ट के लिए, और टायर बहुत ही बड़ा है, वो भी आप काम के अनुसार इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है रस्सी खींचने पर, यहाँ से पेट्रोल डाला जाता है, और ये जो है आपके अनुसार जैसे काम है उसके अनुसार यहाँ पर आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं होल में सेट करके। और यहाँ पे पीछे एक्सेलेटर इसका दिया गया है हैंडल पे, और हैंडल पे यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है, ताकि जब आप इसको वर्किंग करते हैं तो इसको स्पीड वगैरह इसमें मैनेजमेंट करने के लिए पूरा टोटली इसको यहाँ पे दिया गया है। तो इसका यूज़ करने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका यूज़ आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मकई की फसल है, मकई की फसल में खरपतवार यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है देखिए इस टाइप की, लेकिन बार बार तो हम खरपतवार नहीं मार सकते, तो ऐसी जगह आप इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मशीन है मतलब हार्ड जगह पे भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्किंग नहीं करेगी, उठने लगेगी, वाइब्रेशंस ज़्यादा होगी, हाथ में दर्द होने लगेगा, ज़्यादा देर तक आप चला नहीं सकते तो दिक्कत करेगा। जितना मुलायम ज़मीन है, जैसे नॉर्थ इंडिया में पूरी मुलायम ज़मीन है, वहाँ पर चला सकते हैं, या तो सपाट इलाका होता है, काली मिट्टी रहती है, वहाँ पर इसको आसानी चला सकते हैं। मतलब साफ साफ बताता हूँ बात, नहीं हर जगह पर आप इसको नहीं चला सकते, जहाँ पर कंकड़ पत्थर रहते हैं वहाँ पर नहीं चला सकते, क्योंकि इसमें जो हमने टॉप का एक मॉडल है 52 cc का सेम है, वो उसका वीडियो हमने बनाया था, तो उसमें हमने जब यूज़ किया था तो देखा था कि वो केवल लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, हल्की मुलायम मिट्टी में ही चलता है, हार्ड मिट्टी में नहीं चलता। तो दोस्तों ये कोई भी खरपतवार हो निकालने के लिए बहुत कारगर है। आप इसको अटैचमेंट जो है कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी जिस तरीके से बुआई हुई है फसल की, जिस तरीके से आपने फसल लगाई है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी फसल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा हम इसका यूज़ देखते हैं और उसके बाद माइलेज देखते हैं। अगर यूज़ की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जब हम इसमें पेट्रोल डाल देते हैं 1 लीटर, तो उसमें 30 ml जो ऑयल डाल देते हैं, तो इसको क्या है कि यहाँ पर एयर के लिए एक बॉल दिया रहता है, इस बॉल को हमको थोड़ा सा दबा देना पड़ता है तो ताकि पूरे एयर इसकी निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट रहता है, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए वार्म स्टार्ट, तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में कोल्ड स्टार्ट को हमको इधर खींच लेना है। खींच लेने के बाद ये जो रस्सी है इसको खींच लेना है, और ऑफ़ करने के लिए भी हाथ में ही दिया गया है, बड़ी आसानी से यहाँ पे ऑफ़ हो जाता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने इसको चालू करके देखा, चालू करने का बहुत आसान है, रस्सी खींचा स्टार्ट हो गया, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है इसमें। और चालू करने के बाद थोड़ा सा बस वाइब्रेशन होता है, जहाँ पे हार्ड मिट्टी है, मुलायम मिट्टी में ज़्यादा नहीं होता, और इसको चलाने में बहुत आसान है, ईजी है, मतलब हैंडलिंग के लिए बहुत आसान है। अब दोस्तों इससे आप कहीं का भी खरपतवार जो है आसानी से निकाल सकते हैं, आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और जब ज़्यादा ये हीट हो जाता है तो एक दिक्कत होता है कि थोड़ी देर के लिए आप इसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब ज़्यादा हीट होता है तो बार बार ये बंद होने लगता है, तो थोड़ा सा गैप देने पड़ता है। अगर इसके माइलेज की बात करें तो देखिए इसको 50 से 60 मिनट में 1 लीटर तेल खाता है, लेकिन आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा खरपतवार वाला खेत है तो वहाँ पर आपको टाइम लगेगा, आप आगे पीछे करेंगे, देर लगेगा वहाँ पर। लेकिन जहाँ दोस्तों आप 1 एकड़ में लेबर लोग लगा के, जहाँ पे 2-3 दिन कम से कम 10 लेबर लगता है, वहाँ पे अगर 1 दिन में आप इसको 3 से 4 घंटा चलाएंगे तो 1 एकड़ का आपका काम हो जाएगा। तो 3 से 4 लीटर भी आपका गया तो जोड़ सकते हैं आप 400-500 रुपये में आपका 1 एकड़ का काम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आप अगर लेबर लगा के खरपतवार निकाल रहे तो कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है आपका इससे, और खरपतवार नाशक आप मारते हैं तो उसका फसल में इफेक्ट हो जाता है। तो ये खरपतवार ही निकालने के लिए बहुत अच्छा है, ना कि आप इससे और कुछ काम कर सकते हैं, बस खरपतवार निकाल सकते हैं। और थोड़ा बहुत जैसे कि आपने अभी देखा कि
मिट्टी वगैरह सरका सकते हैं। एक और खास बात यह है कि ये लाइट वेट होने की वजह से काम करने में मतलब महिलाएं भी इसको यूज कर सकते हैं, छोटे लड़के भी, बच्चे भी यूज कर सकते हैं और सारे बुजुर्ग लोग भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आसानी से इसको यूज कर सकता है। अगर इसकी प्राइस की बात देखी जाए तो देखिए इसकी प्राइस जो है 15-16 से लेकर 18 तक अलग अलग जगह पर अलग अलग कंपनियों के रेट अलग अलग है। थोड़ा सा आप देख के मार्केट में लीजिए, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये खरपतवार के लिए बहुत सही मशीन है, अन्य कामों के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आपको ये ओवरऑल कैसे लगा, किसी के पास हो, आपका अनुभव क्या है, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावरे तो पावर है। धन्यवाद।